नमस्कार, बोरोरा आमार प्रणाम नेबेन, छोटोरा भालोबासा, जलपाईगुड़ी के आराध्य देवता बाबा जलपेश और ब्राह्मरी देवी को मैं प्रणाम करता हूं। कुछ दिन पहले ही जलपाईगुड़ी के अनेक क्षेत्रों में तूफान से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। भाइयों और बहनों, आज पूरे देश में, पूरे बंगाल में एक ही गूंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार संपूर्ण बांग्ला बोल छे, आबार एक बार जलपाईगुड़ी ने भी तय कर लिया है कि 19 अप्रैल को जयंत रॉय जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। साथियों, ये चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये सशक्त भारत के लिए एक सशक्त सरकार बनाने का चुनाव है। जितनी मजबूत, ताकतवर, मजबूत केंद्र सरकार होगी, उतना मजबूत दुनिया का भारत पर भरोसा होगा, फिर उतना ही अधिक निवेश यहां आएगा, फैक्ट्रियां लगेगी, विदेशी टूरिस्ट आएंगे। बीजेपी सरकार ने G20 की मीटिंग नॉर्थ बंगाल में इसीलिए रखी थी, मकसद यही था कि ये क्षेत्र इंटरनेशनल टूरिज्म मैच पर पहुंचे। आज केंद्र सरकार यहां चौड़ी सड़कें बना रही है, रेल कनेक्टिविटी बेहतर कर रही है, धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी रोड, एनजेपी स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। ऐसे ही प्रयासों से नई नौकरियां, नए अवसर बनेंगे, हर परिवार का जीवन बेहतर होगा। सबको साथ लेकर, सबका विश्वास जीतकर, सबका विकास करना ही तो भाजपा का लक्ष्य है। यही तो विकसित भारत का संकल्प है। इताई तो विकसित भारतेर संकल्पों।